हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, ये अपना ग्लोबल रैंक सर्वर को होने वाला है डे नंबर 5। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि गाइस आज के दिन जो है ना, अपने को काफ़ी ज़्यादा एआर मिलेगी एंड फ्री में अपने को डी फ्री फायर मिलने वाला है, वो भी हैकर से। एंड अभी जो है ना गाइस, यहाँ पे हम लोग आइटम ड्रॉप करने के लिए, बट ये बंदा जो है ना गाइस, इसका हैकर है। ये तब तक किसी को नहीं मारेगा जब तक इसका बंदा नहीं मरता। एक बार अगर आप लोग इसके बंदे को मार दोगे, फिर जो है ना हैकर अपने ऊपर कमान ले लेगा। एंड अभी जो है ना गाइस, अपन लोगों ने उस बंदे को वहां पे मार दिया था, तो ये बंदे का बैग यहां पे था एंड हम लोगों ने इसको मारा। अभी आप लोग देख रहे हो कि कोई लेटने की आवाज आ रही है, वो एक्चुअली में गाइस हैकर है जो जमीन के अंदर लेटते हुए चल रहा है। तो चलो यार, अभी देखते हैं हैकर्स को। एंड अभी मैं यहाँ पे आया हूँ दोबारे से ड्रॉप के पास में, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। वैसे हमें जो है ना उस बंदे का M762 मिल चुका है, जो कि अपने ने पहले मारा था, बट मैं M762 का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो है ना हैकर है, तो हम लोग नहीं चाहते कि हैकर को जो है ना अपना M762 मिले। तो ये तो बॉट है। एंड चलो यार, अभी हम लोग आगे चलते हैं। जैसे ही हम लोग ड्रॉप के पास जा ही रहे थे, तो एक बंदा जो है ना यहाँ पे घोड़े में था। वैसे मैंने इसको घोड़े के ऊपर फायर काफ़ी ज़्यादा किया, बट उस बंदे में डैमेज नहीं आया, इवन घोड़े में भी डैमेज नहीं आया। तो जैसे ही मैं घूमा, बंदा घोड़े से उतरा एंड मेरे को बजा दिया। भैया चलो चलता है, क्योंकि हॉर्स है, हम लोग भी मार रहे हैं तो सब मारेंगे, चलेगा। तो उसके बाद मैंने फटाफट से घोड़े की विशिल बजाई, घोड़े में बैठ के मैं दोबारा से यहाँ पे आया। एंड लकीली गाइस, वहाँ पे मेरे को इतना हो गया था कि मैं ड्रॉप वगैरह नहीं लूट पाऊंगा, तो मैंने रिकॉर्डर ऑफ कर दिया था। बट यार, अपनी किस्मत काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, हम लोगों ने जो है ना ड्रॉप ईजिली निकाल दिया था। कोई बंदा छुप कर ड्रॉप लूट के भाग रहा था, मैंने उस बंदे को मारा एंड सारा का सारा लूट मेरे को मिला। जितना भी एआर था वहाँ पे, वो सारा का सारा मैंने अपने बैकपैक में डाला। बाकी पॉइंट वगैरह अगर मैं मर भी जाता तो कोई टेंशन नहीं थी, बट अभी जो है ना गाइस, अपने में गन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो हम लोगों ने वो सारा का सारा गन सेव करा। यहाँ पे जो है ना अपना सब्सक्राइबर भाई अपने बेस में आ चुका था, वो बोला भाई एक बार ही अपने टीम पे ले लो, तो हम लोगों ने टीम वगैरह में लिया। उसके बाद जो है ना गाइस, मैं अपना काम वगैरह करने लगा था, क्योंकि आज जो है ना अपने को यहाँ पे रेड्स वगैरह मारना है। तो मैंने कहा उसको रेड मारने के लिए तो मेरे को चाहिए हैंडमेड एंड C4 का रेसिपी। फिर अपन लोगों ने डिसाइड करा, चलो हम लोग थोड़ा सा रूम वगैरह करते हैं। मैं यहाँ पे आया अंडरग्राउंड एंड सबसे पहले मैंने डिसाइड करा कि मैं जो है ना यहाँ पे कब पर्पल रूम करूँगा। लेट्स सी, देखते हैं पर्पल रूम पे अपने को क्या मिलता है। तो चलो गाइस चलते हैं। बट यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो भी हमारे इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 400, क्योंकि आज का वीडियो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पहले तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एआर्स, वो भी एक ड्रॉप में, जहाँ पे हैकर था वो उठा लिया है। एंड उसके बाद जो है ना हैकर यहाँ पे फोड़ेगा टैंक, तो टैंक तो लूटना तो बनता ही है ना गाइस। तो हम लोगों ने फटाफट से यहाँ पे का पर्पल रूम किया एंड अभी जो है ना हम लोग चलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 2000 के करीब स्पेयर है, तो अपना प्लान था कि हम लोग गोल्डन कोस्ट में एक बेस है ना, उसको रेड मारेंगे। सो उसके लिए कम से कम 12 हैंडमेड चाहिए। तो मैंने कहा चलो यार, अभी इतना हैंडमेड तो है नहीं मेरे पास, मैंने फटाफट से उनका रेसिपी ड्राफ्ट किया एंड फटाक से जो है ना उनका रेसिपी लर्न कर लिया। तो उसके बाद यार यहाँ पे से मैंने डिसाइड करा, चलो मैं फटाफट से यहाँ पे एयरपोर्ट की तरफ चलता हूँ एंड देखते हैं अगर वहाँ पे बेस होगा तो फिर हम लोग रेड वगैरह करने का ट्राई करेंगे। तो अभी जो है ना गाइस, यहाँ पे मैं आया एंड मैंने देखा यार यहाँ पे टैंक का मेरे को हेल्थ शो हुआ, जो कि लगभग 10 HP कम था। तो मैंने कहा यार चलो चलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे अपना घोड़ा वगैरह निकाला, अरे यार यहाँ पे नहीं निकल रहा है, तो ऐसे करता हूँ यहाँ पे निकालता हूँ। ओके, तो ठीक है, अपना घोड़ा आ चुका है एंड अभी जो है ना हम लोग चलते एयरपोर्ट के अंदर, देखते हैं बंदा एक्चुअली में है कहाँ पे। वैसे मैंने रिपोर्ट चेक किया था, वो वही बंदा है जिसका हैकर था। तो यहाँ पे देखो, वो बंदा आराम से मार रहा है एकदम ओपन में खड़े होके, क्योंकि टैंक जो है ना वो इसके हैकर के ऊपर ग्लीच है, तो ये बंदा ने देखा नहीं। जैसे गाइस मैंने उसमें 16-16 का डैमेज दिया, उसके हैकर बंदे ने जो है ना मुझे पता नहीं कहाँ से मारा। तो अभी मैंने कहा चलो दोबारा से चलते हैं एंड मैंने अपने टीममेट को जो है ना यहाँ पे बुला दिया। मैंने कहा हैकर जो है ना टैंक वगैरह फोड़ रहा है, उजी फार्मास SMG वगैरह लेके आ जाओ, थोड़ा सा मजे करते हैं। तो अपने टीममेट भी यहाँ पे आ चुके हैं एंड देखो गाइज, हम लोगों ने डी फ्री फायर किस तरीके से निकाला, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड उसके बाद मैं दोबारा से घोड़ा लेके गया, वो बंदा जो है ना यहाँ पे से मार रहा था।
तो अभी आपको लगा नहीं होगा कि वो हैकर है, बट यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसके साथ हैकर है। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे निकलता हूँ, चलते हैं मारते हैं उस बंदे को। किधर है ये देखो भाई, ये बंदा नॉक। और देखो जमीन के अंदर से गोलियां निकली है, वो सारी की सारी गोलियां जो है ना वो मेरे में कनेक्ट हुई, तो हम लोगों ने फटाफट से उसको रिपोर्ट किया। वैसे वो तो बैन नहीं होगा और बाकी सब बैन हो जाते हैं, यहाँ पे वो चाइनीज है। चलो इसको मारने का ट्राई करता हूँ। वैसे यार उसके पास जो है ना ए आर है अब, तो अभी तो मारना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा, मुझे पता था भाई हैकर इसका है ना, इसीलिए वो ए आर वगैरह लेके घूम रहा है। अगर हैकर हमारा होता ना तो गाइज हम भी ए आर वगैरह लेके घूमते इसके तरह, बट कोई नहीं गाइज। उसके बाद जो है ना ये ड्रॉप वगैरह लूट के भाग रहा था, तो अपना टीममेट इसके पीछे पीछे भागा और इसके बेस के अंदर घुस गया। वैसे अपने टीममेट ने इसको नॉक कर दिया था, तो जैसे इसने डोर ओपन किया ना बेस के अंदर जाने के लिए, तो उसके पीछे पीछे अपना टीममेट भी उसके अंदर घुसा, तो टीममेट ने उसको फिनिश किया। लकीली गाइज उसने जो डीप रिफाइनर था ना वो अपने सेफ बॉक्स में नहीं डाला था, तो अपने टीममेट ने क्या किया, जैसे ही सेफ डीप रिफाइनर देखा वो अपना सेफ बॉक्स के अंदर डाल दिया। एंड अब हम लोग जो है ना उसको चिढ़ाने लगे, थैंक्स फॉर डीप रिफाइनर, ये सो अलाना फलाना। वो बोलता ऑर्फन हैज नो मदर, अ डेड मैन हैज नो मदर, पता नहीं क्या क्या गाइस चाइनीज में। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, लेट्स सी। उसके बाद यार हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे घूमने लगे एंड वो बंदा तो मेरे को यहाँ पे दिखा नहीं। एंड अपने टीममेट ने भी जो है ना बाद में यहाँ पे सेल्फ वगैरह मार दिया था या फिर उस बंदे से मारा, मुझे कुछ याद नहीं है, बट आई थिंक चाइनीज ने मार दिया था अंदर। बट कोई टेंशन वाले आई बात नहीं, टैंक से हमको डीप रिफाइनर मिलता है एंड अभी जो है ना अपने को वो मिल चुका है। तो अब उसके बाद जो है ना गाइज हम लोग यहाँ पे पहुँचे एंड देखो, देख रहे हो गाइज हैकर के मुंह से हम लोग डीप रिफाइनर चोर के आ चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उसके बाद यार हम लोगों ने फटाफट से यहाँ पे रखा एंड हैकर को पता चल चुका था कि इनका बेस यहाँ पे है, तो वो बंदा दोबारा से यार अपने बेस में कैंप वगैरह करने लगा था। बट हम लोग एआर वगैरह लेके थोड़ी ना निकलेंगे, हम लोग नंगा नंगा बाहर निकल रहे थे, फिर उसने भी मारना छोड़ दिया। उसके बाद मैं दोबारा से 2 घंटे बाद आए यहाँ पे न्यूक्लियर में, फटाफट से हम लोगों ने रूम्स वगैरह करा, बट यार अपने को ना अभी तक चर्चेस वगैरह नहीं मिली है। भाई चर्चेस नहीं मिलेगा तो कैसे होगा यार, इतने सारे मैंने रूम्स वगैरह कर लिए बट चर्चेस नहीं मिला। तो ठीक है गाइज यहाँ पे हम लोगों ने रूम वगैरह करा एंड अभी जो है ना हम लोग फटाफट से निकलते हैं। वैसे एआर वगैरह जो है ना मैं सेफ में डालूं, एआर वगैरह तो मैं ये सर्वर में यूज़ नहीं करने वाला, अपन लोग फार्मास एंड उजी लेके जाएंगे जब तक हैकर इस सर्वर में है। वैसे मुझे नहीं लगता हैकर जो है ना ये सर्वर छोड़ के जाएगा। उसके बाद फाइनली हम लोगों ने डिसाइड करा, चलो देखो आवाज़ आ रहा है ना गाइज लेटने का, हैकर है आसपास में एंड साथ में गाइस बॉम्ब शेल्टर वाले बंदे जो है ना अपने बेस में आए हैं कैंप करने के लिए, तो चलो चलते हैं। वैसे अपने टीममेट ने बोला वो बंदे जो है ना छत में है, तो मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं ना अपने छत में जाकर ऑटो कैनन पेस करते हैं। देखो वो रहा छत में, तो देखता हूँ उसको। तो मैंने अपने टीममेट से बोला भाई फटाफट से एमओ वगैरह बनाओ, फिर जो है ना हम लोग ऊपर चलते हैं। तो लेट्स गो गाइस, चलो चलते हैं ऊपर। मैंने अपने टीममेट से बोला भाई फटाफट से डोर वगैरह ओपन करना एंड लेट्स गो, ऑटो कैनन रखता हूँ। अरे यार पीछे वाले बंदे ने मार दिया, मैंने पीछे वाले बंदे ने अपने को मार दिया। एक बंदा तो इसको यहाँ पे जा चुका है एंड ये बाहर निकलेगा तो डेफिनेटली जाएगा ये भी, बट ये कवर में घुस गया। बट वहाँ पे जो है ना गाइस उस बंदे ने मेरे को मार दिया था, वो दोनों के दोनों बंदे जो है ना ऑटो कैनन से मर चुके थे एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे आया ड्रॉप। तो मैंने कहा चलो यार ड्रॉप करने के लिए चलते हैं एंड अभी जो है ना यहाँ पे उस हैकर का तीसरा बंदा आया है ड्रॉप लूटने के लिए, बट यहाँ पे जो है ना उसके साथ हैकर नहीं है। तो देखो गाइस उसको किस तरीके से मारेंगे अपन लोग। भाई वो बंदा जो है ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड कैंप करके बैठा हुआ है, तो अपना टीममेट जो है ना वैसे ही यहाँ पे घूमने आया, तो मैंने कहा देखना एक बारी वो जरूर डिसमेंटल की तरफ होगा बैठा हुआ, बट ये पीछे कहाँ से आया अपने को मार निकले। तो हम लोगों ने इसको मारा एंड अभी जो है ना हम लोग चलते हैं फटाफट से आगे की तरफ एंड लेट्स सी। तो मुझे लगता है वो बंदा जो है ना डेफिनेटली वहीं पे है। तो चलें, तो जैसी गाइज अपना टीममेट वहां पे पहुंचा डिसमेटल के साइट में एंड अपने टीममेट बोलने लगा हाँ भाई बंदा इधर ही है। तो जैसी गाइज मैं यहाँ पे गया तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, बंदा डेफिनेटली छत के ऊपर होगा। तो अपना टीममेट बोल रहा था ड्रॉप ओपन होने वाला है, भाई तुम ड्रॉप में देखो ध्यान दो। तो मैं दोबारा से जो है ना पीछे आ गया, मैंने कहा डेफिनेटली बंदा छत में होगा और ये बंदा फायर करने लगा। तो चलो यार चलते हैं, भाई 9 मिनट है, क्या करूं जाऊं या ना जाऊं।
अरे अरे भाई 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 भाई, अपनी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है। वो ऊपर से उसने मेरे में डायरेक्ट एम किया ना, इसलिए। बट मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा टाइम है, मैं फटाफट से सिरिंज वगैरह लगाता हूँ एंड उसके बाद इसको मारने का ट्राई करेंगे। तो एक तरीका गाइस, अपन लोग जो है ना इसको कैंप करके मारेंगे, ठीक है। तो ड्रॉप अनलॉक हो चुका है, मैं ड्रॉप को ओपन करता हूँ एंड उसके बाद जो है ना अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैंप कर लेंगे। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, ओपन करता हूँ एंड जैसे गाइस मैंने फायर किया, ड्रॉप ओपन किया, वो बंदा जो है ना एकदम दौड़ते हुए आया। उसे लगा बंदा जो है ना ड्रॉप वगैरह लूट लिया। मैंने कहा रुक जा भाई, अभी तेरे को क्या ही गजब का कैंप करके मारूंगा ना, तूने सोचा भी नहीं होगा। लो भैया गया भाई, मेरे को यहाँ पे फ्री की एकेएम मिल गया। बट यार काफी टाइम से क्या हो रहा है, ड्रॉप में अपने को एआर वगैरह नहीं मिल रही है, ओनली बॉम्ब्स मिल रहे हैं। भाई ड्रॉप का लूट कहाँ है, ये रहा देखो, उजी मिला एंड एक हैंडमेड मिला और बाकी कुछ नहीं। लगता है अपने को सब सामान जो है ना वो रूम से ही मिलेगा, एआर वगैरह। तो भाई अब रूम पे भी फोकस करना पड़ेगा अपने को काफ़ी ज़्यादा। तो फटाफट से गाइस ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे सब लोग निकलते हैं। वैसे मैंने रिपोर्ट चेकआउट करा, रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा बंदे आने लगे थे, तो मुझे लगा कि करना पड़ेगा यार, चलो चलते हैं फटाफट से। बट कोई नहीं यार, अभी अपने पास स्टील का आर्मर है जो कि अपने को चाइनीज़ से मिला है, तो कोई भी बंदा आएगा एआर है अब तो अपन लोग इजीली मार लेंगे उसको। और हाँ गाइस, यहाँ पे जो है ना अपना एक टीममेट बैन हो चुका है, पता नहीं क्यों, 7 दिन के लिए, जो घोड़े में घूम रहे हैं ना गाइस आजकल। तो काफ़ी ज़्यादा भाई लोग बोल रहे थे कि भाई घोड़े से जो है ना बंदे बैन हो रहे हैं, तो मुझे भी लगता है गाइस अब घोड़ा में घूमना कम करना पड़ेगा। बट घोड़े में नहीं घूमेंगे तो दिया कहीं को है। तो उसके बाद यार यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑटो फार्म वगैरह कर रहा था, क्योंकि आपको पता है मैंने स्पॉन्सर वगैरह बाय किया है। तो जब मैं पीसी वगैरह में गेम कुछ करता रहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऑटो फार्मिंग वगैरह करता हूँ। तो बंदा जो है ना यहाँ पे वुड वगैरह फार्म कर रहा था शॉर्ट गन से, तो मैं इसके पीछे पीछे आया एंड मैंने इसको मारा। मैं सोच रहा था कम से कम 10-20 हज़ार वुड तो मिलेगा, बट लिटरली गाइस इसका एक भी वुड नहीं गिरा, क्या ही गजब है, सिर्फ फूड वगैरह गिरा है। तो उसके बाद मैं गया एंड फाइनली गाइस अब हम लोगों ने डिसाइड करा, चलो हम लोग जो है ना वो गोल्डन कोस्ट में एक बेस था उसको रेड मारते हैं। तो मैं गया फटाफट से एंड अब मैंने डिसाइड करा, चलो हम लोग थोड़े से हैंडमेड्स वगैरह बनाते हैं और चलते हैं सीधा रेड करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और अपना बेस तो काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो अपने पास गन्स वगैरह नहीं है, बस मैं सेफ में जो है ना बॉम्ब्स वगैरह लेके आया हूँ। और एक टीममेट के पास जो है ना यहाँ पे गन एंड आर्मर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा यार काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस हैं, तो करते हैं यार इसको कुछ ना कुछ। तो ऐसे करते हैं यहाँ पे हम लोग लैडर वगैरह प्लेस करेंगे। वैसे अपना टीममेट बोल रहा था कि इसको यहाँ पे से हम लोग तोड़ते हैं, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे से तोड़ेंगे तो ओनली हमें 2 वॉल टूटेगी एंड हम लोग 2 सेक्शन का ही एक्सेस ले सकते हैं। तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, ऊपर से तोड़ते हैं, ऊपर से इसको चारों का चारा सीलिंग टूटेगा तो अपन लोगों को जो है ना इसका 4 सेक्शन का एक्सेस मिल जाएगा। तो चलो यार फटाफट से यहाँ पे बॉम्ब्स वगैरह लगाते हैं एंड करते हैं इसको रेड, देखते हैं यार यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, सरप्राइज है। हाँ मैं नहीं बताऊँगा पहले, मुझे पता है आप लोग बोलेंगे कि भाई पहले मत बताए कर, एक सबसे वो हो जाता है। तो भाई अगर पहले नहीं बताओगे ना तो आप लोग देखोगे नहीं। ओके गाइस, फटाफट से हम लोगों ने यहाँ पे बॉम्ब्स वगैरह लगा दिया है, लगभग 5 के करीब बॉम्ब्स लगे हैं। तो अभी 6 हैंडमेड्स और लगाने पड़ेंगे भाई, 4 और लगेंगे, नहीं 4 नहीं 2। ओके गाइस टूट तो गया है एंड बॉक्सेस अंदर है, उधर वाले सेक्शन में चलता हूँ, बट गलती से मैं यहाँ पे गिरा। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से लैडर्स वगैरह लगाया एंड चलो यार फटाफट से चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या मिलेगा। तो अपना टीममेट जो अंदर गया था वो बोलने लगा भाई यहाँ पे लॉक वगैरह नहीं है। बट जैसे हम लोगों ने बॉक्सेस वगैरह चेकआउट करे भाई, मेरा तो दिल खुश हो गया, इतने सारे कंपोनेंट्स थे ना कि अब मैं क्या ही बताऊं, मतलब 2 बॉक्स जो है ना वो ओनली कंपोनेंट्स से भरे हुए थे। मैंने कहा भाई मज़ा आ गया, फटाफट से सारे के सारे कंपोनेंट्स उठाते हैं और लेके चलते हैं सीधा अपने बेस में। अब हम लोग इनको डिसमेंटल करेंगे, एटलीस्ट स्टील वगैरह तो अपने को इससे मिल जाएगा। बॉड बेस तो गाइस मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि इंडियंस बंदे इतने ज़्यादा खेल रहे हैं एंड बॉड बेस मिलने का टाइम ही नहीं मिल रहा है मेरे को। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, ये सर्वर जो है ना हम लोग बिना बॉड बेस के करेंगे, लेट्स सी देखते हैं कर पाते या नहीं कर पाते हम लोग। वैसे भी अगर कोई भी अपना बेस वगैरह रेड मारेगा मिलेगा उसको कुछ नहीं, टोटली बॉम्ब वगैरह वेस्ट होंगे। सो इंडियन भाई लोग जो भी देख रहे हो, तो भाई रेड जो है ना सोच समझ के मारना, ठीक है। अगर आप लोगों को मज़े नहीं करने आगे सर्वर में तो रेड मार लेना,
अगर मजे करने हैं तो भाई मेरे बेस छोड़कर किसी और बेस को पकड़ोगे तो उसमें तुम्हारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है मैं उतना ही बॉम्ब बनाता हूँ जितने मेरे शिप में जा सकें, और थोड़े बहुत बॉक्स होंगे मैं वन बाय वन बनाकर कहीं पे भी मैप के किसी भी कोने में छुपा देता हूँ। तो चलो यार, उसके बाद हम लोगों ने इस बेस को यहाँ पे रेड वगैरह मारा, एंड अभी जो है ना हम लोग फटाफट से इसका टीसी में लगाते हैं बॉम्ब। तो सबको निकलने दो बाहर एंड टीसी में बॉम्ब लगाते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे दोबारा से अंदर, देखते हैं इसके टीसीज अपने को क्या मिलता है। तो यहाँ पे अपने टीममेट ने बॉम्ब वगैरह लगा दिया है, तो चलो भाई यहाँ पे थोड़ा सा स्पीयर्स मिला अपने को लगभग 113 के करीब, तो अराउंड इसके पास 1000 से प्लस तो स्पीयर रहा ही होगा। तो चलो यार अभी हम लोग निकलते हैं फटाफट से यहाँ से बाहर, गलती से फंस गया यार, नीचे गिर गया, तो दोबारा से मेरे को ऊपर चढ़ना पड़ेगा। एंड फिर जो है ना हम लोग यहाँ पे से जंप मार के कूद लेंगे। इस बॉक्स में चेक करता हूँ, ओनली पिस्टल था। तो चलो यार अभी हम लोग निकलते हैं। अरे फिर फंस गया, अब ट्राई करता हूँ यार, अब नहीं फंसना चाहिए। तो चलो, अरे बस गया। तो चलो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे से निकले, एंड जैसे हम लोग यहाँ पे से घूमते हुए थोड़ा सा गैस स्टेशन के तरफ गए तो वहाँ पे जो है ना एक बंदा बजूका से बेस वगैरह रेड कर रहा था। तो मैं गया फटाफट से अपने सेफ में एक SMG वगैरह लेके आया, एंड देखो गाइस वहाँ पे भी काफ़ी गजब का सीन होने वाला है, एंड आप लोगों को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो भाई यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा कंपोनेंट्स मिला अपने को, तो फटाफट से यह सारे का सारे कंपोनेंट जो है ना मैं लेके चलता हूँ अपने बेस में, ठीक है। तो उसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पे पहुँचे, एंड अभी जो है ना मेरे में SMG है, तो अपने 2-3 टीममेट जो है ना वो उधर ही हैं, तो मैं भी चलता हूँ। तो भाई यहाँ पे बंदा तो है, बट यहाँ पे जो है ना अपने टीममेट घूम रहे हैं उनको बंदा नहीं दिखा, बट जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचा मुझे बंदा तो दिख चुका है, तो अपने टीममेट बोल रहे हैं बंदा कहाँ गया। वो बंदा जो है ना चुपचाप से वहाँ पे बैठा हुआ है, एंड उस बंदे ने जो है ना अपने टीममेट को भर दिया बंदूका से, AR से। तो मैं यहाँ पे से जंप करके मारने का ट्राई किया, 16-16 का लगा, बट यार मेरे पास बुलेट्स ही नहीं है, और तो मैंने कहा चलो यार अब बुलेट्स वगैरह नहीं है तो अंदर ही चलते हैं। ओनली 3 बुलेट्स था SMG में बस। तो उसके बाद यार हम लोग दोबारा पहुंचे, बट अपने टीममेट ने जो है ना, मैंने शॉटगन दिया था अपने टीममेट को, तो अपने टीममेट ने उनको शॉटगन से भर दिया। तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार फटाफट से हम लोग अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या है इसके। अभी हमको थोड़ा सा इसका निरीक्षण करना पड़ेगा, उस हिसाब से देखेंगे अगर रेड हो पाएगा तो बाद में हम लोग इसको रेड मारने का ट्राई करेंगे। ओके गाइस बंदों ने यहाँ पे TC तो खोल दिया है, TC अपने को दिखने लगा है, बट इसका लूट एरिया किधर है वो अभी अपने को देखना है। भाई बंदे ने मतलब तोड़ा तो एकदम झकास जगह है, मतलब वहां पे से TC दिख चुका है, बट अपने को जो है ना बस इसका यहाँ पे फर्नेस एंड लूट एरिया ढूंढना है। तो उसके बाद यार मैं फटाफट से ऊपर चढ़ा छत में, एंड जैसे ही मैं यहाँ पे कूदा, एंड यहाँ पे जो है ना अपने को इसका थोड़ा सा फर्नेस वाला एरिया दिख चुका है, एंड जो इसका लूट रूम था ना वो पीछे का साइड था, उसका भी डोर ऑलरेडी तोड़ा हुआ है। तो मैंने कहा फटाफट से जो है ना मैं लगभग थोड़े से C4s ले हैंडमेड्स लेके आता हूँ बेस से, एंड इसको रेड मारने का ट्राई करेंगे। देख लेता हूँ क्या पता सल्फर वगैरह हो सकता है गाइस, मुझे लग रहा है। तो चलो यार फटाफट से हम लोग जो है ना यहाँ पे से चलते हैं बेस, फिर से जो है ना बॉम्ब्स वगैरह लेके आते हैं। बट जैसे ही मैं वहाँ पे से बाहर निकला, यहाँ पे एक बंदा आया फामाज लेके, वो अपने को मारने का ट्राई कर रहा था। तो वो यार मेरे ऊपर आया, मेरे ऊपर फायर वगैरह कर रहा था, तो अपने टीममेट ने पीछे से उसको एक पिस्टल का शॉट मारा, तो वो बंदा जो है ना अपने टीममेट के ऊपर चढ़ गया। तो मेरे पास यहाँ पे M762 था, मैंने निकाला फटाफट से एंड बजाता हूँ उसको, गया। तो भाई यहाँ पे इसको मारा हम लोगों ने, एंड मैंने जो है ना इसको मारने के बाद डायरेक्ट M762 जो है ना अपना सेफ में डाला, एंड अब जो है ना गाइस हम लोग चलते हैं एंड उस वाले बेस को करते हैं रेड, क्योंकि अपने सेफ में तो बॉम्ब है थोड़ा बहुत। तो चलिए तो भाई देखते हैं अपने को इस बेस से मिलेगा क्या। वैसे अगर थोड़ा बहुत सल्फर वगैरह मिल गया ना गाइस तो अपना प्रॉफिट ही होगा, एंड मुझे जो है ना लगता है सबसे पहले हम लोगों को इसका
आयरन का डोर तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना हम लोग इसका टीसी वगैरह उड़ा लेंगे, क्योंकि आयरन का डोर के अंदर जो है ना फर्नेसेस है, ये यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप ये बड़ा वाला, उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे 4 हैंडमेड्स ड्रॉप किए एंड हम लोग यहाँ पे सब बाहर निकलने का सोच ही रहे थे, तब तक जो है ना अपने टीममेट ने यहाँ पे बॉम्ब लगा दिया। ओके यहाँ पे एक बंदा है, तो फटाफट से जो है ना मैं उसको रिवाइव देता हूँ। भाई ये क्या सीन हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एंड मैं अपने टीममेट से बोलने लगा, भैया लूट वगैरह बाद में देख लेना, पहले मेरे को रिवाइव कर दे। तो वो बोले ठीक है, फटाफट से कर रहा हूँ। यार आज जो है ना वो टोटली मस्ती मस्ती में निकल गया दिन। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे अपने को रिवाइव मिल चुका है शॉटगन ट्रैप से। लार्ज फर्नेस जो है ना वो टोटली खाली है। एंड चलो यार फटाफट से अपन लोग इसका टीसी उड़ाते हैं। एंड उसके पीछे वाले तरफ जो है ना यहाँ पे इसके 4 स्टोरेज बॉक्सेस हैं, तो मैंने कहा चलो ऑयल ड्रम्स हैं मेरे पास, तो फटाफट से जो है ना मैं ऑयल ड्रम्स लगाता हूँ 2 इसका टीसी में। बट ऑयल ड्रम्स लगाने से पहले मैं थोड़ा सा अपना आपको हील अप वगैरह करता हूँ। लेट्स गो गाइज, ऑयल ड्रम्स लगाते हैं। लगा दिए। ओके यहाँ पे टीसी वगैरह फूट चुका है और यहाँ पे देखो 2 स्टोरेज बॉक्सेस हैं, और फटाफट से लूट वगैरह उठाने का ट्राई करता हूँ। ओके यहाँ पे लगभग मेरे को 600 के करीब सल्फर मिला अराउंड। इस बंदे में जो है ना कितना 6000 के करीब सल्फर है भाई, ज्यादा है। बंदे के बॉक्सेस में सल्फर तो है बट अपने को लगभग 20% ही मिलता है, तो जितना उसके पास था वो अपने को मिल चुका है। एंड उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करा चलो बॉक्स का लूट उठाने चलते हैं। सबसे पहले तो अपना टीममेट मरा एंड उसके बाद जैसे ही गया मैं भी मरा, तो लगभग मैंने सारा का सारा लूट तो उठा लिया था। एंड उसके बाद गाइस हम लोग पहुंचे फटाफट से अपने बेस में, हम लोगों ने बॉम्ब्स वगैरह बनाए। एंड अभी जो है ना अपन लोगों का प्लान था, एंड अब जो है ना हम लोग जाने वाले हैं फेक वन क्लू के बेस में, जो कि अपना नाम लिख के आया है। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं और आएगा मज़ा। एंड अगर हम लोग उसका बेस यहाँ पे रेड मार पाए, अगर हमें लगा कि हम लोग हाँ उसका बेस रेड मार सकते हैं, तो हम लोग रेड मारने का ट्राई ज़रूर करेंगे। तो चलिए गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली गाइज हम लोग वन क्लू फेक वन क्लू के बेस में चलेंगे। सो बाय बाय गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बस थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट। बाय बाय।